हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्रिटिकल सर्वे ऑफ संस्कृत लिटरेचर क्वेश्चन पेपर के बारे में। बी ऑनर संस्कृत, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का है ये, कोर पेपर है, 75 नंबर का पेपर होता है। चैनल पर हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखो, और जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ कहाँ से बनते हैं, अधिकतर जो क्वेश्चन यहाँ पे आए, देखो, ऋग्वेद के वर्ण विषय का विवेचन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आदिकाव्य के रूप में रामायण की समीक्षा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। विश्वकोश के रूप में महाभारत का विवेचन, विश्वकोश के रामायण का विषय वस्तु भी पूछा जाता है और विवेचन भी पूछ लिया है इस बार। पुराणों का सामाजिक महत्व का वर्णन कीजिए, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, ठीक है। अलंकार संप्रदाय पर निबंध लिखिए, अलंकार संप्रदाय टिप्पणी के रूप में पहले पूछा जाता था, यहाँ पे दे रखा है 10 नंबर का, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय दर्शन में प्रमुख संप्रदाय का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ठीक है, ये भी एवरेज क्वेश्चन है। पर ऊपर के जो तीनों मैंने बताए थे, पुराण, महाभारत, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं रामायण के। कहीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 5, 24 चार लिखने हैं। 5-5 नंबर के सामवेद, यजुर्वेद, अष्टाध्यायी का अध्ययन, उत्तरी मीमांसा, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति, देखो ये सारे क्वेश्चन तो आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। पर मेन मेन क्वेश्चन अगर आप पहले से लिख के रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामायण का रचनाकाल, रामायण के बारे में तो आप जरूर लिख लीजिएगा, रामायण में बनने वाले 2-3 क्वेश्चन। देखो महाभारत, ये 1-1 नंबर के हैं। महाभारत के पर्वों के नाम बताइए, आदि पर्व, सभा पर, विराट, वामन, ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ऋग्वेद के उपलब्ध शाखाओं का नाम लिखिए, उतना ये तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन पहले नहीं आते थे, इस पर दिया गया है। कृष्ण यजुर्वेद की समीक्षाओं के नाम बताइए, अथर्वेद के उपदेशों के नाम बताइए, उपनिषदों के नाम बताइए, उपनिषद का अर्थ बताइए, ध्वनि सिद्धांत में प्रतिष्ठापक आचार्य कौन थे, ठीक है। ध्वनि दर्शन शब्द का अर्थ समझाइए, दर्शन या नहीं थे दर्शनम, दृश्यते या नहीं दर्शनम। योग दर्शन में वर्णित नियमों का नाम लिखिए, टिप्पणी आता था। पुराणों का वर्ण विषय पूछा गया इसमें, काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन है, ठीक है। महाभारत की निम्नलिखित अवस्थाओं के नाम बताइए, वेदांग कितने हैं इनके नाम लिखिए, षड वेदांग है, चक्र, नियुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, चंद, ये सब याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कहीं एक बार संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आरण्यक पूछा गया है, और यहाँ पे क्या पूछा गया है, ब्राह्मण पूछा गया है, और एक सांख्य योग पूछा गया। तो यार सिंपल जो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट यही बनते हैं अधिकतर। हर आप किसी का भी देखो, यहाँ महाभारत का क्वेश्चन आया है, रामायण का, पुराण का, योग दर्शन का, और वेद का क्वेश्चन आ रखा, तो सिंपल से जो क्वेश्चन यही होता है यही बनते हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। पैटर्न वही रहता है कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, ओके।